हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाकिस्तान टीम में मैच फिक्सिंग चल रही है, मैच फिक्सिंग चल रही है भाई, मैच फिक्सिंग। क्या चल रहा है ये मैच फिक्सिंग का है? पाकिस्तान में क्या फिर हमें ये दिन देखने पड़ेंगे ये 90s वाले? मैच फिक्सिंग आया किसने ये बताओ सवाल करने के लिए? ये हरे कपड़ों वाला कप्तान जो था ना, वो था बाबर आजम, उससे सवाल करता हुआ क्यों नहीं मिलता भाई? ये सफेद कपड़ों में तो कभी आया ही नहीं। पाकिस्तान की क्रिकेटर्स हमेशा ऐसा ऐसा काम करते हैं कि पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको याद होगा पास के अंदर सलमान बट, मोहम्मद हाफिज, आसिफ और मोहम्मद आमिर ने क्या किया था। लेकिन आज, बल्कि आज नहीं, पिछले एक हफ्ते से बातें चल रही थी, बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि बाबर आजम ने मैच फिक्सिंग की है। जब बात बाबर आजम की आती है तो पूरे पाकिस्तान का दिल टूटता है, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान की जान है, बाबर आजम पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये बहुत ही ज्यादा सीरियस एलिगेशन है यार, बट मुझे पॉइंट ये है, बाबर आजम से कोई मैच फिक्स क्यों कराएगा? बाबर आजम तो वैसे ही बुरा खेल लेता है। वो टीम जिसके प्लेयर $25-25 में सेल्फियां लेते हो, वो टीम जो खुद ही खराब खेलती हो, कोई अगर बेचारा इनसे मैच फिक्सिंग कराए ना, तो उससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं होगा। बाबर का घंटा पूरी दुनिया में बजाया बजाए, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से बाबर का घंटा बजाया जा रहा है, मैच फिक्सिंग के इल्जाम बाबर आजम के ऊपर लगे हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं मुश्किल मुमकिन ही नहीं है कि बाबर फिक्सिंग कर ही नहीं सकता, हो सकता है की भी, और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने फिक्सिंग की है। वसीम अकरम को देखो, ये जो तुम मोइन खान को देख रहे हो, वसीम अकरम को देख रहे हो, ये मोहम्मद आमिर, सलमान भट्ट, पाकिस्तान का फिक्सिंग का मामला बड़े लंबे से चलता है। इंजमामुल हक के ऊपर भी फिक्सिंग के चार्जेस लगे। भाई यहां पर पाकिस्तान में फिक्सिंग का कीड़ा जो है, ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से है। हर वक्त हम इसी बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान में फिक्सिंग बहुत है, पाकिस्तान में फिक्सिंग बहुत है, लेकिन हम फिर बाद में चुप हो जाते हैं। अभी आज भी जो ये बात आई है बाबर आजम की, देखो बाबर आजम के ऊपर बातें करने वाले पहले तो पूरे सबूत लेकर आए। कमाल हो गया यार, उस बच्चे ने अगर गलती से उसके मुंह से ये निकल गया कि मैनेजमेंट ने उसको एतमाद दिया है कि भैया तुम जो है टेस्ट टीम के कप्तान हो, और नॉट एज जो पाकिस्तान इस साल खेलेगा उसकी कप्तानी तुम करोगे, तो मतलब ये आजम ही नहीं हुआ किसी से, जानबूझ कर उस बंदे को भेजा गया है कि भाई तू जाके मैच फिक्सिंग का सवाल कर। अबे वो जो जिनसे तुमने सवाल करने चाहिए वो तो नसिया गली में अलल्ले तलल्ले कर रहे। बिल्कुल ठीक है, शान सफेद कपड़ों का कप्तान है, जिसका मतलब ये है कि इस पे कोई दाग नहीं है। तुमने शान के दामन को दागदार करने की कोशिश की है, जबकि असल दागदार तो साला अभी तक चुप क्या रहता है और शान तदीन को लेने तक नहीं गया। निकाल तुम्हारी ऐसी की तेजी, साले सारे घंटे के फैन और घंटे के क्लिक। उस बच्चे ने गलती से बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार कि मुझे नोटिस के लिए कप्तान बनाया गया, इशारा दिया उसने कि मैनेजमेंट मुझ पर एतमाद करती है। पाकिस्तान टीम हमेशा से, अगर फिक्सर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान का नाम आता है। ये बड़ी एक मेरे लिए बुरी बात है पाकिस्तानी, कि जब भी फिक्सर्स की बात की जाएगी पाकिस्तान टीम का नाम आएगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम आएगा। पाकिस्तान में फिक्सिंग चलती है, और ये आज से नहीं है, ये बड़े पहले से है। और अब तो पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन किया गया कि आप किस तरह देखते हो कि पाकिस्तान टीम में जो मैच फिक्सिंग चल रही है, आप अंदाजा लगा लो, कप्तान से क्वेश्चन किया गया। और इधर ना, इधर मेरे घंटे का जो कुछ फैन था ना, वो पता क्या कहते हैं, बॉब्सी बड़ी अच्छी कप्तानी करता है। तो भाई रेड बॉल फॉर्मेट में फिक्सिंग नहीं चल रही, व्हाइट बॉल में चल रही है, जिधर आपका ये ना दुम्बा, ये घंटा, घंटा कप्तान है जिधर आपका, उधर मैच फिक्सिंग चल रही है। और मैच फिक्सिंग क्या भाई, बहुत बड़ा गर्क हुआ पड़ा हमारा, टीम में लड़ाइयां चल रही हैं, डिसिप्लिन की मां बहन एक की हुई है इन्होंने, हर चीज उन्होंने आगे पीछे कर दी हुई है। और कप्तान शान मसूद ने बोला कि भाई मुझे नहीं पता, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि मेरे फॉर्मेट में मैच फिक्सिंग चल रही है, और मैं इस करंट टीम में जो जिसकी कप्तानी मैं करता हूं उसमें ऐसा कोई नहीं है। तो भाई इनडायरेक्टली उस बंदे ने यही बोला ना कि भाई मेरे फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट का मैं कप्तान हूं ना, उसमें कोई फिक्सिंग फुक्सिंग नहीं चल रही। ये घंटे के किंग से क्वेश्चन करो कि ये फिक्सिंग उसके फॉर्मेट में जिसमें वो व्हाइट बॉल का कप्तान है, उधर फिक्सिंग चल रही होगी। और भी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूबर, उन्होंने इसके ऊपर प्रॉपर एक घंटे का लाइव ठोका कि भाई फिक्सिंग चल रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान टीम में मैच फिक्सिंग हो रही है, पाकिस्तान टीम में उल बला की हरकतें हो रही हैं। मतलब आप बाज नहीं आए मैच फिक्सिंग करने से, बातें आप इंडिया को करते हो, उनकी टीम में कभी इस तरह की बात सुनी भी नहीं होगी आपने। अपनी मैच फिक्सिंग की हरकतें बंद कर दो भाई। जर्नलिस्ट ने कप्तान से कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन किया, अगर झूठ होता ना तो जर्नलिस्ट कप्तान से क्वेश्चन ना करता मैच फिक्सिंग का, और कप्तान ने भी डिसएग्री करके जाने दिया। ऑब्वियसली बात है, वो एग्री तो नहीं था ना कर सकता,
वरना चीजें एक्सपोज हो जानी थी उधर ही। शेम ऑन यू। पहले अपने गिरेर मारने चाहो कि आपके कप्तान प्लेयर लड़ाई झगड़े में है, फिक्सिंग में है, आप क्या बातें कर सकते हो, आप क्या बातें कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान की क्रिकेटर्स हमेशा ऐसे ऐसे काम करते हैं कि पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ता है। आपको याद होगा पास के अंदर सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, आसिफ और मोहम्मद आमिर ने क्या किया था, लेकिन वो चैप्टर क्लोज हो गया था। उसके बाद सबने फैसला कर लिया था कि अब ऐसा कभी भी कुछ नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। प्लेयर्स को खौफ आ गया था, प्लेयर्स को पता चल गया था कि हमारा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का जिसको कहते हैं ना नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बड़े अरसे तक सारी की सारी एलिगेशन जो थी ना कभी किसी पाकिस्तानी प्लेयर के ऊपर नहीं आई। पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों ने फिक्सिंग की है, वसीम अकरम को देखो, ये जो तुम मोइन खान को देख रहे हो, वसीम अकरम को देख रहे हो, ये मोहम्मद आमिर, सलमान भट्ट। पाकिस्तान का फिक्सिंग का मामला बड़े लंबे अरसे चलता है। इंजमाम उल हक के ऊपर भी फिक्सिंग के चार्जेस लगे। भाई यहां पर पाकिस्तान में फिक्सिंग का कीड़ा जो है ये आज से नहीं, पिछले कई सालों से है। हर वक्त हम इसी बारे में बात करते हैं कि पाकिस्तान में फिक्सिंग बहुत है, पाकिस्तान में फिक्सिंग बहुत है, लेकिन हम फिर बाद में चुप हो जाते हैं। तुमने जो ये मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगाए हैं, ये किसी का करियर बर्बाद कर सकते हैं, और बड़े बड़े लोगों का करियर बर्बाद हुआ भी है। मैं कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स को जानता हूं जिन्होंने शायद जिंदगी में की नहीं है, मगर पाकिस्तान में, क्योंकि भाई आपको कानून है, आपको यहां पर फंसाया जाता है। दिनेश कनेरिया हो गए, उसके अलावा अपना वो शर्जील खान, खालिद लतीफ, नासिर जमशेद, ये वो क्रिकेटर्स हैं जो कि मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में फंसे, आज उनका करियर खत्म है, वो क्रिकेट में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई उनके पास ऐसे इल्जाम लगे, और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ इल्जाम लगने पे क्रिकेट छोड़ देते हैं कि भाई क्रिकेट में इतना नाम कमाया, उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के 2% के जर्नलिस्ट मिलकर हमको पेल रहे हैं कि भाई इसने मैच फिक्सिंग की है। बिग मैच फिक्सिंग एलिगेशंस ऑन बाबर आजम भाई के, वो टीम जो पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, जिस पे जो पाकिस्तान को बेच दे, मतलब अपने पर्सनल पार्टियों के लिए $25-25 के मीटअप्स के लिए, वो पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशंस की टाइमिंग चेंज कराए, वो यूएसए में पाकिस्तान आ रहा हो फिर भी घूम फिर रही हो, ईदें गुजार रही हो बाप भाई बेटों के साथ, जो जहां पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाए पूरी अपनी फैमिली को पीछे से लेके चला जाए, हाँ, तो मतलब वो जाहिर सी बात है वो मैच फिक्सिंग कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई कहे ना बाबर आजम मैच फिक्सिंग नहीं कर सकता, बाबर आजम ऐसा नहीं हो सकता, अरे भाई ये हम लोग जानते नहीं है, जो प्लेयर्स वो पैसों के लिए ही खेलते हैं ना। मुझे बताओ, बाबर आजम ने क्या पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं किया था वर्ल्ड कप में, हम स्पॉन्सर्स नहीं पहनेंगे, हमारी सैलरीज बढ़ाओ, ये सारी मोनोपोली नहीं चल रही ब्लैकमेल करने की। अब जो प्लेयर पैसों के लिए खेल रहा है तो वो क्या पैसों के लिए मैच फिक्सिंग नहीं कर सकता, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और स्पेशली पाकिस्तान की बात करता हूं, दुनिया में तो मतलब है ही है ना, मतलब दुनिया में तो ऐसा रिवाज ही नहीं है मैच फिक्सिंग वाला, दुनिया में तो और बहुत मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल है, पर पाकिस्तान की ऐसी हिस्ट्री है और अभी तक हिस्ट्री चली आई है। आप मतलब ये जो मैं आपको पिछले 4-5 साल से कहानियां सुना रहा हूं, ये सारे 4-5 साल में पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जो है ना, थोड़े इंटरनेशनल वाले पाकिस्तान के प्लेयर इस सारे मामले में पाए गए हैं। और पाकिस्तान की एक हकीकत है, कोई प्लेयर जो सबसे बड़ा हो जाए और वो मैच फिक्सिंग में ना इन्वॉल्व हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेचारे गरीब होते हैं, गरीब घरों से आते हैं, पैसा देखा नहीं होता, और जब देख लेते हैं फिर भी पेट नहीं भरता, फिर और से और की तलब होने लग जाती है, फिर हालत तरीके से कमाने की तलब होने लग जाती है। तो कोई अगर बाबर आजम सच्ची भी इन्वॉल्व हो गया ना फिक्सिंग में, जो बट मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान का प्लेयर जो है ना, ये बहुत ही मतलब इनमें पैसे की लालच होती है, ये मुल्क का पेट्रोटिज्म का इनमें कुछ होता ही नहीं है। आप इंडिया के प्लेयर्स को देखो, बाकी कंट्रीज के प्लेयर को देखो, उनमें उतना ज्यादा नहीं होता, वो एक हद तक खेलते वो भी पैसे के लिए है, बट एक पेट्रोटिज्म भी होता है कि भाई अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए। हमें पाकिस्तानी प्लेयर्स में ये नजर नहीं आया, मेरा ग्रुप, मेरी कप्तानी, मेरी टीम, मैं ये, मैं वो, मैं हूं ये, मैं साया कॉपरेशन के बंदे, तू मेरे ग्रुप का बंदा, फलां को नहीं आने देना। पाकिस्तान में ये गंदगी चलती है, पाकिस्तान की क्रिकेट में ये गंद चलता है, जुबान जदयाम चलता है, खुला चलता है।